मिथिलेश घबराओ नहीं, बोलो दिया से बात किया। बस वही डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए आप। फटाफट पाँच जन जैसे उठा के हाँ सब कर ले जाए पिचौन डाल देता है लकड़ी लिया नीचे जब हल्का होगी कहा पकड़िए नहा गए आप घड़ा तिली लेके आवा, घड़ा लेके आवा, घड़ा ऊपर आइए महाराज जी, ऊपर आइए, क्या करी भाई भैया प्रणाम। हमारी बड़ी बहन नहीं रही, हम लोग चार भाई एक बहन हैं अपनी माँ से, तो तीसरे नंबर पे हमारी बहन है, चौथे नंबर पे मैं हूँ, और यहीं सामने घाट में सब लोग रहते थे, रजीजा जी का परिवार। हमारा तो मैक्सिमम परिवार गांव के साथ साथ यहाँ भी रहता है। उसके दो बेटे हैं, बेटियों की शादी हो गई है, हम लोगों के लिए वो माँ समानी थी, वो हमेशा हम लोगों का बहुत केयर करी है। वो माया नाम था उनका, उम्र कोई ऐसी 57-58 साल रहा होगा, तो अपनी बहन की अंत्येष्टि के लिए मणिकर्णिका घाट आना हुआ। किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो गई कि कोई विशेष कारण था, कोई विशेष कारण था? वो थोड़ा वीक तो रहती थी, थोड़ी थोड़ी सारी समस्याएं थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी नहीं थी। अभी कल उसको अचानक थोड़ा सा सीने में दर्द वगैरह हुआ, और
जो रिपोर्ट है वो हार्ट अटैक का है। तो हम दिल्ली से, हमको सुबह सुबह ये समाचार मिला तो मैं दिल्ली से भाग के आया। अब तो ये विधि का विधान है, इसे हमें स्वीकार करना है। जो हमारे मित्र बंधु बांधव हैं उन लोगों को ये सुन कर के बहुत पीड़ा होगी, लेकिन आप सब उसके लिए प्रार्थना करिए, मैं यही कहूँगा। और अब ये दुख तो हमें बर्दाश्त करना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।